Hi everyone, good morning everyone. Sorry for the delay, there were some issues happening on the site. So yeah, because of that it got delayed. I'm happy to see so many people waiting for the class, and apologies for the delay. So just start in a bit. I think we are good to go. Good morning, everyone. Good morning. Sorry for the delay. There were in fact a lot of news items that had to be covered. So I was busy making that, but then I was trying to go live. Though I don't know, it was not streaming properly. Anyway, we are back up and running. Let me just stop the class. Let me just show you. Let me know if the slide is visible to all of you. Good morning, everyone. तो आज दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए, एक एडिटोरियल अच्छा है हमारे लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम प्रीटी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दैट हैव कम इन न्यूज, एंड आई वांट टू डिस्कस दैट। एंड बाकी सिविल सर्विसेज के लिए आपको पता ही है, गवर्नमेंट हैज़ रिफॉर्म्ड एंड रिवैम्प्ड द एंटायर ट्रेनिंग प्रोसेस कॉल्ड एज मिशन कर्मयोगी। कोई बात नहीं, नहीं कोई लेट नहीं हुआ है, हम लोग बस अभी स्टार्ट हुए हैं, सो नो वरीज। चलिए, उसको द्रिकांतर फेंक के मारूं मैं। वीडियो डिसलाइक वालों को क्या कर सकते हैं, अब देखो वही मैंने बताया कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और हमें अपने काम करते हैं रहना, ठीक है। वी कैन ऑल वी कैन डू इज दैट, ठीक है। लोगों को कहना है कहते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। और कुछ लोग होते हैं ना कि सैडिस्टिक प्लेजर्स इन लाइफ, देर आर सम थिंग्स कॉल्ड अ सैडिस्टिक प्लेजर। तो डिसलाइक करो, चाहे कुछ भी हो जाए, डिसलाइक करो। डिसलाइक करना बनता है, मतलब बॉस टाइप्स वैसा। तो सैडिस्टिक प्लेजर के लिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग लाइफ में लोगों की। एनीवे, कमिंग बैक, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट, जस्ट कीप दोज पीपल असाइड, लेट्स स्टार्ट द डे विद अ पॉजिटिव एनर्जी एंड अ पॉजिटिव वाइब। एंड या सो you attract the energy that you give off, so always try and be positive and speak positive, except corona positive, ठीक है। उस पॉजिटिव से थोड़ा दूर रहें आप लोग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अच्छे विचार रखें, अच्छे सोच रखें, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं और जैसी हम बातें करते हैं वैसी ही एनर्जी हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। एंड दैट इज़ वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्जॉय लाइफ इररेस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन। यार देखो, लाइफ इज़ लाइक अ साइन कर्व, मैंने अपने लेक्चर में भी कई बार बताया है। एंड क्या होता है कि
It's never straight. If it's straight, that means you're dead. It has to be like this. Ups and downs are a part of it. But the most important thing is to enjoy and learn. ठीक है, सीखना बहुत ज़रूरी है, enjoy करना बहुत ज़रूरी है, and जो गलतियाँ हैं उससे सीख के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, so always always keep this in mind. ताकि आज 3 सितंबर है 2020, and this is the daily newspaper analysis from the Hindu, Indian Express, Financial Express, apart from the other newspapers, and you can follow me on an academy. जो लोग नए हैं, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है प्रोफाइल का. न्यू कोर्सेज सब्सक्रिप्शन के लिए यू कैन यूज़ द कोड DEEP27. लेट मी नो इफ यू सब्सक्राइब. सम ऑफ देम हैव सब्सक्राइब्ड, सम ऑफ यू आर थिंकिंग टू सब्सक्राइब. इफ यू सब्सक्राइब, लेट मी नो. यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम. राइट, सो देर आर अ लॉट ऑफ न्यूज़ फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एंड फ्रॉम द हिंदू जैट वी हैव डिस्कस टुडे. बहुत सारी फैक्चुअल भी हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए. तो एक बार जरा जल्दी से पहले जरा हिंदू का न्यूज़पेपर आज देख लेते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था. बाकी फिर मैं आपको PIB के अपडेट पे ले जाऊंगा. ये मिशन कर्मयोगी, सो देखो मिशन कर्मयोगी में क्या है कि PIB से डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि क्या ये करना चाह रहे हैं, एंड देन द इंटायर थिंग आई विल गिव यू इन द नोट्स फॉर्मैट. ठीक है, उसमें जो जो माई गव है उन्होंने एक स्लाइड्स के फॉर्मेट में भी दिया है, बट वो क्या है, इफ़ यू टेक गो फॉर प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग में क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा पेपर वेस्टेज होगा. तो बहुत सारे लोग प्रिंट करके नोट्स बनाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको स्लाइड फॉर्मेट में नहीं डाला. आई जस्ट मेक यू नो गो थ्रू द मिशन कर्मयोगी के बारे में, और बाकी उसके बाद विल सी द इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स फॉर टुडे. सो मिशन कर्मयोगी की अगर पहले बात कर लेते हैं, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके सिविल सर्विस रिफॉर्म के लिए है, एंड कैबिनेट ने कल इसको अप्रूव किया था. इनफैक्ट मैं क्लास में ही था, हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, वी आर डिस्कसिंग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स. तो कल उसी समय ये कैबिनेट का अप्रूवल आया. उस समय उनसे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर क्या लगता है आपको क्या ये, तो मैंने बताया था कि इट इज़ अबाउट सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग एंड रिफॉर्म, और शायद कुछ कोशिश कर रहे हैं उसको एक यूनिफॉर्म पैटर्न बनाने की फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग. तो एक नया आर्किटेक्चर बनेगा, सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग बनेगी. ठीक है, एक नेशनल प्रोग्राम ऑफ सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग बनने वाली है, और उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग अपैरेटस. एक HR टाइप, मतलब समझ लो थोड़ा प्राइवेटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिख रहा है. बिल्कुल एक HR सिस्टम हुआ करेगा यहाँ पे. तो प्राइम मिनिस्टर लेड HR काउंसिल होगा जो अप्रूव और मॉनिटर करेगा सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन टू हार्म. कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पे मतलब फिजिकल बिल्डिंग नहीं, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब टैलेंट परफॉर्मेंस वर्किंग बिल्डिंग है. यहाँ पे वॉइस कम है, वॉइस कैसे कम है सर, रिफ्रेश कर लो, सब चीज़ बहुत सही है, वॉइस तो कम नहीं होनी चाहिए. आई थिंक एवरीथिंग इज रनिंग फाइन मेरी तरफ से. तो आवाज़ आ रही है, आनी तो चाहिए. लो है साउंड्स, अच्छा अभी ठीक है, थोड़ा पास में बैठ जाता हूँ. ठीक है, सो द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द PM. आप लोग ने वॉल्यूम बढ़ा लो, हो सकता है कुछ लोग जल्दी जल्दी में सुबह क्लास में वॉल्यूम नहीं बढ़ा गए, एक बार चेक कर लो आप लोग, है ना. सो इनॉग्रेटेड नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग. इसमें आप देखोगे तो इसमें HR काउंसिल कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन स्पेशल पर्पज व्हीकल फॉर ओनिंग एंड ऑपरेटिंग द डिजिटल एसेट्स. तो इसमें जो मेन फीचर्स हैं उसको मैं आपको नोट्स में फॉर्मेट दे दूंगा. उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, इसका नाम IGOT रखा गया, IGOT. ठीक है, IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म होगा. तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपका पूरा एक तो डिजिटल वे में पूरा चीज़ें होंगी, एंड ये ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल इन्होंने बनाया है, इसको IGOT नाम रखा गया है. ठीक है, तो द सपोर्टिंग ट्रांजिशन फ्रॉम रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड. ठीक है, टू एम्फसाइज ऑन साइट ट्रेनिंग, क्रिएट इकोसिस्टम ऑफ शेयर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टू कैलिब्रेट ऑल सिविल सर्विसेज पोजीशन टू अ फ्रेमवर्क रोल एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटेंसीज अप्रोच. अब देखो ये पूरा जो ये टॉपिक है आपके ये सिविल सर्विसेज रिफॉर्म में आ जाता है GS2 के पार्ट में. ठीक है, मेन जो है आपका ये पूरा का पूरा जो आएगा वो आएगा आपके सिविल सर्विसेज रिफॉर्म. बहुत टाइम से रिक्वायरमेंट थी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की, तो ये उसके पूरा जो है उसी में ये आपका आर्टिकल और ये पूरा इशू टॉपिक आ जाएगा. उसके अलावा बिहेवियरल फंक्शन एंड डोमेन कॉम्पिटेंसीज पे सिविल सर्वेंट्स के फोकस किया जाएगा. कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में जो PM के अंडर में HR काउंसिल होगा वो अप्रूव करेगा नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान.
एंड एक्सरसाइज करेगा फाइनेंशियल सुपरविजन ओवर ऑल सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन. आई जो आई गॉट है वो इट विल ब्रिंग प्लेटफॉर्म ब्रिंग द स्केल एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑगमेंट द कैपेसिटीज फॉर 2 crore ऑफिशियल्स इन इंडिया. रोल ऑफ सिविल सर्विसेज एंड सिविल सर्विस रिफॉर्म में आएगा. उसके अलावा तो ये जो आपका जो पूरा का पूरा जो ये किया गया है इसमें लगभग टू कवर अराउंड 46 lakh सेंट्रल एम्प्लॉयज अ सम ऑफ रुपीज 510.86 crore विल बी स्पेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years 2020-21 से लेकर 2025 तक ये चलेगा. उसमें अगर आप देखोगे लगभग 510 crore 510.86 crore रुपीज खर्च होंगे. तो उसमें जो मे है मेन जो है उसका आई गॉट कम योगी है रिलेटेड टू कंटेंट वैलिडेशन इंडिपेंडेंट प्रोक्टर्ड असेसमेंट. ठीक है एंड इट विल बेसिकली पूरा एक समझ लो एक पूरा डैशबोर्ड टाइप रहेगा कि सब चीज़ दिखाएगा किसकी ट्रेनिंग हो रही क्या ट्रेनिंग हो रही कौन से ऑफिसर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. तो पूरा प्राइवेट सेक्टर में जैसे एचआर आपका मैनेज करता है ना पूरी एक चीज़ें आपका मैनेजर देता है फीडबैक ये है वो है पूरा एचआर सिस्टम बनेगा इनका इनकी फंक्शनिंग को लेके. ठीक है पूरा का पूरा. तो ये मैं आपको नोट्स के फॉर्मेट में दे दूंगा पूरा. तो मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा था. देखो इसमें क्या है कि इसमें कुछ अभी आपके लिए इतना वैसे अगर आप देखोगे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दिस विल हैपन वंस यू गो इन टू द सर्विस. ठीक है तो जब आप सर्विस में जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट है कि सिविल सर्विस रिफॉर्म के लिए क्या स्टेप्स लिए गए. इतने डिटेल की जरूरत नहीं है. मैं आपको नोट्स में क्रिस्प पॉइंट इसके समझा दे दूंगा. आपको ओवरव्यू देना था तो अगर वही मैंने कहा कि मैं ओवरव्यू देने के लिए आपको मैंने ये बताया. और अगर आप वैसे भी देखोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा अगर मैं आपको दिखाऊं ऐसे ही तो आप जैसे सर्च भी करोगे ना इसको रैंडमली मैं तो आपको ये भी दिखा देता हूँ. अब जैसे इन्होंने यहाँ पे इसी को मेंशन कर दिया है. अगर आप ट्विटर पे जाओगे तो ट्विटर पे इन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ है ऐसे पूरा पीआईबी में कि प्रिस्क्राइब्ड एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम. तो उन्होंने जो पीआईबी में लिखा है उसको उन्होंने बस स्लाइड के फॉर्मेट में दे दिया कट करके जो हमारे लिए अगर आप प्रिंट करोगे तो वेस्टेज ऑफ पेपर है. तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन पेडागॉजी सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमने देखा है आई गॉट में ही हो रहा है. ठीक है तो इसलिए ये मैं जो है बहुत ही माइन्यूट क्रिस्प पॉइंट्स में आपको दे दूंगा. और यही इन्होंने माई गव जो वेबसाइट है उस पर उन्होंने स्लाइड्स में समझा दिया है. तो रोल बेस्ड जो है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा देन रूल बेस्ड. सो शिफ्ट फ्रॉम रूल बेस्ड देन रोल बेस्ड मतलब कि सबका जो रोल है. तो जैसे जनरली आईएएस जो होते हैं उनको जर्नलिस्ट माना जाता है कि हर काम कर सकते हैं बट लेकिन आजकल क्या है स्पेशलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो इवन स्पेशलाइजेशन इज द नीड ऑफ द आवर. इस वजह से अगर आप देखोगे एम्फेसिस ऑन ऑन साइट लर्निंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग ऑफ साइट लर्निंग ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑन साइट लर्निंग सब चीज़ होगी. लिंकिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ सिविल सर्वेंट्स ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सेंटर ऑफ एक्सलेंस मिनिस्ट्रीज डायरेक्टली इन्वेस्ट एंड को क्रिएट अ कॉमन लर्निंग इन इकोसिस्टम. ये पहले ही ऑलरेडी चालू कर चुके हैं. अगर आप देखेंगे मोदी जी ने असिस्टेंट सेक्रेटरीज वाला कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि जितने भी नए आईएएस ऑफिसर्स आते हैं उनको 3 महीने आप दिल्ली में पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी बना के सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेनिंग दो. तो वो उसी लाइन में है ये भी क्योंकि इसमें इन्होंने बोला है कि मिनिस्ट्री जो है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करें प्रो क्रिएट करें कॉमन लर्निंग इकोसिस्टम ताकि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में कोऑर्डिनेशन ढंग से हो पाए एंड फोकस ऑन मैसिव स्केल ट्रेनिंग ऑन ई लर्निंग. क्योंकि अब देखो कोविड तो कहीं जाने वाला है नहीं और क्या होता है कि जब इतने सारे ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं आप देखो वैकेंसीज तो खैर जो हैं सो हैं बट इतने सारे ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं तो सबकी एक साथ लबासना में ट्रेनिंग तो हो नहीं सकती. और स्पेशली इन कोविड इट्स अ प्रीटी रिस्की ऑल्सो इतने बड़े बैच को साथ में एक साथ रखना. तो अब क्या है कि इन्होंने इसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज कर दिया है और इसको अब कर दिया है कि अब आप ई लर्निंग पे भी फोकस करो. इवन व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर फाउंडेशन कोर्स उसके बाद भी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि क्या होता है देखो पूरे सर्विस में आपके 2-3 बार ट्रेनिंग होती है. एक होती है इनिशियल बिगिनिंग में ट्रेनिंग मैं आपको बता देता हूँ उसमें सो ट्रेनिंग कब होती है सिविल सर्विसेज में. एक तो होती है आपका फेजेस होते हैं ठीक है फेज 1 फेज 2 फेज 3. फेज 1 जो होता है आपका फाउंडेशनल कोर्स जैसे लबासना में होगा आप लोग जब जाएंगे ठीक है. उसके बाद फेज 2 ट्रेनिंग भी होती है इनकी. वो आप थोड़ी देर फील्ड में काम करके आते हो उसके बाद आपकी फेज 2 ट्रेनिंग होती है उसके बाद आप वापस जाते हो ठीक है. तो अब की बार क्या हुआ था कोविड की वजह से बेचारे जो लास्ट ईयर के बैच वाले उनकी फेज 2 ट्रेनिंग ऑनलाइन कर दी गई तो बड़े परेशान कह रहे अरे लबासना नहीं जा पाए. फिर एक होती है मिड करियर ट्रेनिंग होती है. तो कुछ सर्विस आपके पीरियड में हो जाते हैं पीरियड ऑफ सर्विस 10 साल 11 साल उसके बाद आपकी मिड करियर ट्रेनिंग भी होती है. तो इस तरीके से होती है बट बीच में बहुत ज़्यादा हो जाता है गैप. तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए ई लर्निंग मॉड्यूल्स एंड अलग अलग ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग्स प्रोग्राम के लिए मोदी जी ने थ्रस्ट किया है कैबिनेट ने थ्रस्ट किया है कि उसको भी बीच में करना जरूरी है. अब इसके बीच में क्या करते थे मोस्टली ऑफिसर कहाँ जाते थे फॉरेन ठीक है. फॉरेन जा रहे हैं स्टडी टूर्स पे कॉलेज जा रहे हैं एमबीए करने जा रहे हैं सबैटिकल ले लिया. तो वो अब क्योंकि गवर्नमेंट के पास देखो पहली बात तो पैसा है नहीं
क्योंकि गवर्नमेंट को खर्चा देना पड़ता था, सैलरी भी देनी पड़ती थी और वहाँ जाने का भी देना पड़ता था अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप जो मिलती थी। तो सरकार के पास वैसे भी पैसा है नहीं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना, और जो भी है उनको वापस बुलाया जा रहा है, कॉस्ट कटिंग तो हो रही है इस चीज़ को लेके। और ये भी है कि ये क्योंकि बीच में इतना 10-12 साल का गैप हो जाता है लर्निंग में, तो दे आर नॉट वेल इक्विप्ड प्रॉपरली विद द चेंजिंग डायनेमिक एंड सिनेरियो, डायनेमिक सिनेरियो जो कंट्री में प्रिवेल कर रहा है। इस वजह से ये जो गैप है उसको बिल्ड ब्रिज करने के लिए भी ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स बनाए गए। तो ये पूरा पर्पस है आपके इस मिशन कर्मयोगी का कि सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग और सिविल सर्विसेज को प्रेजेंट टाइम्स की सिचुएशन की नीड के हिसाब से अलाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग टेंशन मत लो, आप लोगों के एग्जाम में कोई ऑप्शनल चेंज नहीं हो रहा, कोई एज नहीं कम हो रही, एज नहीं बढ़ रही, इसकी टेंशन मत लो। इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनीबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम। दिस इज आफ्टर यू हैव गॉट इनटू द सर्विस एंड सेंट्रल सर्विसेज में आप हो, उनके लिए। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लो, जो लोग टेंशन हो रही है कि सर क्या हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, इफ यू कम टू द न्यूज़पेपर, सो विल फर्स्ट क्विकली गो टू द न्यूज़पेपर, देखते हैं क्या क्या हमारे न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है एंड बाकी सारी न्यूज़ फिर देखेंगे आइटम। तो क्वेश्चन आवर ड्रॉप्ड इन लोकसभा फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ द मॉनसून सेशन। ठीक है, गवर्नमेंट बैन्स पबजी, तो बहुत सारे पबजी वाले, कितने लोग पबजी वाले हैं यहाँ पे जरा बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर रिलेटेड पबजी वाले, कितने हैं यहाँ पे बताओ जरा, पबजी वाले अपने अपने हाथ खड़ा करें पबजी वाले यहाँ पे। देखो तो मैंने तो खेला नहीं है, बट वैसे आई एम इनटू गेमिंग, आई लव गेमिंग। ठीक है, बट आजकल टाइम नहीं मिल पाता, आई यूज टू प्ले मॉडर्न वॉरफेयर, बट यहाँ पे पबजी वाले कितने लोग हैं, एनीवे तो पबजी वालों के लिए भी ऑल्टरनेटिव आएगा, देखना कोई ऐसा पतंजलि रामदेव बाबा कोई कोई ऐप आने वाला होगा जरूर, वो ऑलरेडी काम करना चालू कर देंगे। रामदेव बाबा जो है, हो सकता है कोई नया ऐप निकालें आप लोगों के लिए, जैसे मैगी निकाला उन्होंने, कोरोनिल निकाला, तो हो सकता है देर माइट बी समथिंग न्यू फ्रॉम पतंजलि ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ यू आर प्लेइंग पबजी। आई विल टेल यू व्हाई, दिस वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एसोसिएटेड, अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि ऐसा वो क्यों करेंगे, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। सो क्वेश्चन आर ड्रॉप फ्रॉम लोकसभा, ये तो है ही, बाकी ये है। उसके अलावा चाइना, इंडिया चाइना टॉक्स थी चुशूल में, चुशूल रीजन में हो रही थी, वो आपकी कंक्लूसिव नहीं हुई है, एंड ये सेक्टर अभी दिखाऊंगा चुशूल कहाँ पर पड़ता है। लार्ज नंबर ट्रूप्स आर डिप्लॉयड ऑन बोथ द साइड्स, तो अभी थोड़ा टेंशन बढ़ी हुई है। उसके अलावा अभी जस्टिस अरुण मिश्रा जी का रिटायरमेंट फेवल पार्टी थी, ऑनलाइन हो रही थी, उसमें दुष्यंत दवे जी हैं, ही इज़ द हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बार एसोसिएशन, इनको जो है उन्होंने बोला कि मैं नहीं पार्टिसिपेट करूंगा, अब मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो ये सब चीज़ें चलती रहती कुछ ना, क्योंकि ही वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ जस्टिस अरुण मिश्रा, तो शायद उस वजह से इनको मौका नहीं मिला। तो पबजी की जगह राम जी आएगा। उसके अलावा दिल्ली मेट्रो टू पिकअप 3 paces in 3 stages, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जरा एक बार फर्स्ट पेज की जो न्यूज़ हैं, न्यूज़ आइटम है, उनको जरा फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो ये भी हम लोग जाएंगे, ये डिडिमॉस मिशन जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एस्ट्रॉयड बहुत अर्थ के पास में आने वाला, नियर अर्थ एस्ट्रॉयड, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है पॉसिबल, और कैसे ऐसे मिशन, ऐसे एस्ट्रॉयड्स को नासा प्रिवेंट करता है एंड अदर स्पेस एजेंसीज प्रिवेंट करती हैं फॉर एंटरिंग द अर्थ्स ऑर्बिट या एटमॉस्फेयर। बट फर्स्ट गोइंग टू द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी GS2। ठीक है, पॉलिटी GS2 का पार्ट है आपका ये क्वेश्चन आवर। हर साल क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में इसको लेके, क्वेश्चन आवर क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं। तो क्वेश्चन आवर का कुछ बैकग्राउंड है जो बहुत अच्छा दिया हुआ था न्यूज़पेपर में, मल्टीपल सोर्सेस से मैंने कंबाइन किया हुआ है। तो वैसे इन जनरल आप लोग पढ़ोगे पॉलिटी में क्वेश्चन आवर क्या होता है, बट स्टिल देर आर सम थिंग्स दैट यू पीपल नीड टू नो। सो क्वेश्चन आवर क्या होता है, वन ऑफ द लाइवलीस्ट आवर होता है इन पार्लियामेंट में। इस बार उसको ड्रॉप कर दिया गया कोरोना की वजह से। सो इस बार हुआ है ऐसा, एक बार और भी हुआ था 1962 वॉर के टाइम पे हुआ था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या पहले भी कभी ड्रॉप हुआ है, येस इट हैज़ बीन ड्रॉप्ड ऑल्सो ड्यूरिंग द 1962 वॉर विद चाइना। So question hour is the liveliest hour in parliament. It is during this one hour that the members of the parliament ask questions of ministers and hold them accountable for functioning of the ministry. So ye kya ek tarika hai of maintaining accountability of the executive. Theek hai, executive ki
अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने का ये एक मेन तरीका है. क्वेश्चन आवर जिनको हम बोलते हैं, क्वेश्चन आवर हो गया, फिर पार्लियामेंट्री चेक्स होते हैं, आपके कट मोशन होते हैं. तो क्वेश्चन दैट एमपीज आस्क आर डिजाइनेटेड टू एलिसिट इन्फॉर्मेशन ट्रिगर सूटेबल एक्शन बाय द मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्ट्रीज. तो इंडिपेंडेंस से पहले द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड ऑफ द गवर्नमेंट वॉज इन 1893. इट वॉज ऑन द बर्डन कास्ट ऑन विलेज शॉपकीपर्स हु हैड प्रोवाइडेड सप्लाइज टू टूरिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स. देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू. इंडिपेंडेंस से पहले पहली बार जब क्वेश्चन आवर का कॉन्सेप्ट आया था वो 1861 में आपने पढ़ा होगा, इंडियन काउंसिल्स एक्ट. ठीक है, 1861 ये सारे जो काउंसिल्स एक्ट हुआ करते थे 1892. तो 1893 में पहली बार क्वेश्चन का यूज किया गया और वो क्वेश्चन था रिगार्डिंग विलेज शॉपकीपर्स, जो सप्लाई उनके ऊपर बर्डन पड़ रहा था, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जाते थे ब्रिटिशर्स तो उनको ना इनको तो सप्लाईज देनी पड़ती थी. तो क्वेश्चन आवर जो है पहला आवर, उसके बाद फिर क्या होता है आपका जीरो आवर होता है. तो जीरो आवर क्या होता था, ये कहीं पे मेंशन नहीं है, ना किसी पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में है, ना कहीं रूल्स में है. हमने सारा का सारा तो ब्रिटिशर्स से कॉपी किया है, बेसिकली उनको इनकॉर्पोरेट किया है जो वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. तो जनरली क्या होता था, क्वेश्चन आके बाद लंच हो जाता था 1 बजे. अब उसके बीच में कभी कभी क्या हो गया, क्वेश्चन आवर खत्म हो गया तो बीच में जीरो आवर डाल देते थे. तो जीरो आवर का क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि ये पहले कहीं होता नहीं था, इसको बाद में इंडियन इन्वेंशन है ये. So phrase does not find any mention the rule of procedure. The concept of zero hour started organically in the first decade of Indian Parliament when MPs felt that the need for raising important constituency and national issues. So during the initial days, the Parliament used to break for lunch at 1 p.m. Therefore, the opportunity for MPs to raise national issues without an advance notice became available at 10 p.m. and could last for an hour until the hour adjourned for lunch. So this led to the hour being popularly referred to as zero hour, and the issues being raised during this zero time are called as zero hour submissions. तो देखो मेन जो बिजनेस होता है ना आपका लोकसभा राज्यसभा का, जिसको बोलते हैं बिजनेस ऑफ द हाउस, वो लंच के बाद ही बेसिकली चालू होता था. तो बेसिकली काम जो होता है ना खाने पीने के बाद चालू होता है, 1 बजे के बाद जो बिजनेस आवर है उसके पहले आपका क्वेश्चन आवर हो ये जीरो आवर होते. तो क्वेश्चन आवर और इसके बीच में जीरो आवर का कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि उस समय लंच हो जाता था तो गैप रहता था, तो उसमें भी एक मौका दिया गया कि चलो आप इसमें भी विदाउट एनी एडवांस नोटिस क्वेश्चन पूछ लो. तो जीरो आवर में क्या होता है कि आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं होती एमपी या किसी को, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो उस समय. बट क्वेश्चन आवर में पहले आपको एडवांस नोटिस देनी होती है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के या राज्यसभा के, वो डिसाइड करते हैं ठीक है कब किसको ऐसे एलोकेशन होता है क्वेश्चन के. तो इसका पूरा प्रोसीजर समझेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई वॉइस इज लो, आई डोंट नो वाई इट इज लो. सो पार्लियामेंट हैज कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स फॉर डीलिंग विद एवरी एस्पेक्ट. मैं देखता हूं अगर वॉइस लो आ रही तो माय वॉइस इज लो. इतनी तेज आवाज आ रही है, और कितनी तेज चाहिए, मैं सब मॉनिटर कर रहा हूं साइड से. इतनी तेज तो आवाज आ रही है, और कितना तेज आवाज आएगी. गरिमा आपके इंटरनेट में इशू है, जिनको भी लग रहा है वॉइस इज लो, देखो मेरे मोबाइल में पूरी फुल आवाज आ रही है और मैं यूट्यूब पे चेक कर रहा हूँ साइड में, क्योंकि तभी मैं आपको कॉमेंट देखता रहता हूँ. आई थिंक वॉइस इज परफेक्टली फाइन. सो पार्लियामेंट हैज कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स, ठीक है, ऐसे नहीं है, पूरा एक रूल्स एंड प्रोसीजर होता है जैसे डील करते हैं लोग क्वेश्चन आवर से. एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द टू हाउसेज आर द फाइनल अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ क्वेश्चन आवर. फॉर एग्जाम्पल यूजली क्वेश्चन आवर इज द फर्स्ट आवर ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिटिंग. तो मैंने जैसे आपको बताया हमेशा पहला जो घंटा होता है सिटिंग का ना 11 से 12, वो आपका होता है फॉर क्वेश्चन आवर. 12 से 1 आपका हो जाता था जीरो आवर. तो वो आपका इन उसमें क्या हो गया, बेसिकली आपको एडवांस नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी. उसके बाद 2014 में क्या हुआ, क्योंकि जो आपकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते. तो 2014 में राज्यसभा चेयरमैन थे हामिद अंसारी साहब, जो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, ही शिफ्टेड क्वेश्चन आवर इन द हाउस फ्रॉम 11 AM टू 12 noon. द मूव वॉज टू प्रिवेंट डिसरप्शन ऑफ क्वेश्चन आवर, क्योंकि क्वेश्चन आवर बहुत इंपॉर्टेंट. अब देखो ये दिखाता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है. क्वेश्चन आवर ढंग से चले तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखा जा सकता है फॉर वॉट दे आर डूइंग. तो इस वजह से हामिद अंसारी जी ने क्या किया कि हामिद अंसारी जी ने क्वेश्चन आवर को मूव कर दिया फ्रॉम 11 टू 12, ताकि जो जीरो आवर वो पहले हो जाए. और ताकि बीच में क्या होता था, क्वेश्चन आवर के बीच में लोग हंगामा करते थे, तो इस वजह से वो डिसरप्शंस ना हो. तो पार्लियामेंट्री रूल्स प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड बाय एमपीस. क्वेश्चंस हैव टू बी लिमिटेड टू 150 वर्ड्स. दे हैव टू बी प्रिसाइज एंड नॉट टू जनरल. बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन होने चाहिए, जनरल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए. उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, एडजर्नमेंट मोशन एंड बहुत सारे मोशन होते हैं.
The question should also be related to an area of responsibility of Government of India. Questioner should not seek information about matters that are secret or under adjudication before courts. अगर कोई मुद्दा कोर्ट में पेंडिंग है नहीं पूछ सकते आप, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ सकते आप, ठीक है, इसमें रफेल भी आ जाता है कहीं ना कहीं. इट इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द टू हाउसेज हु फाइनली डिसाइड वेदर अ क्वेश्चन रेज बाय एन एमपी विल बी एडमिटेड फॉर आंसरिंग बाय द गवर्नमेंट नॉट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फाइनली जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो डिसाइड करते हैं, जो भी बैठा होगा चेयर पे, कि भाई ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको आंसर करने की जरूरत है गवर्नमेंट की साइड से या नहीं. Also, there is no question hour on the day the president addresses MPs from both the houses. First sitting of the Lok Sabha, first sitting of the year, जो आपका session होता है उसमें address करते हैं. तो इसमें बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि कुछ exceptions है. These are called as exceptions to the rule, जब आपके question hour नहीं होता, ये exceptions है. So the president's speech takes place at the beginning of the new Lok Sabha and the first day of a new parliamentary year. Question hour is not scheduled either on the day the finance minister presents the budget. क्योंकि इतना लंबा होता है speech. तो जिस दिन बजट प्रेजेंट किया जाता है उस दिन भी क्वेश्चन आवर नहीं होता. एज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द करंट लोकसभा अप्रॉक्सिमेटली 15,000 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द लोअर हाउस. अभिषेक, दैट इज मोर लाइक अ पॉलिटिकल क्वेश्चन. आई कांट रियली आंसर कि उन्होंने सोचा कि चलो भाई फॉलिंग जीडीपी के ऊपर क्वेश्चन उठेगा इसलिए क्वेश्चन आवर इस बार से हटा देते हैं. इसके अलावा जैसे मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें कैसे आंसर करना होता है, लाइक व्हाट इज द रूल दैट गवर्न द मिनिस्टर्स हाउ दे कैन आंसर द क्वेश्चन. सो मिनिस्टर्स जो होते हैं और मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके पास 15 दिन एडवांस में नोटिस में क्वेश्चन चले जाते हैं सारे, और दैट सो दैट दे कैन प्रिपेयर फॉर द मिनिस्टर्स फॉर द क्वेश्चन हाउस. एंड दे ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर अ शार्प फॉलोअप क्वेश्चन दे कैन एक्सपेक्ट टू बी आस्क्ड इन द हाउस. तो इसमें स्टार्ट एंड स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं आपको पता है. So government officers are close at hand in gallery so that they can pass notes or relevant documents to support the minister answering. अब देखो बहुत ज़रूरी है. तो जैसे मान लो मिनिस्टर को हर उनको क्या होता है, कई बार होती है बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे होते हैं, तो उनकी तरफ से सेक्रेटरी जो होते हैं उस डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री के, वो बैठे होते हैं आपके लॉबी में, साइड में, मेन एरिया में नहीं, साइड में बैठे होते हैं. अगर मान लो मिनिस्टर से कोई क्वेश्चन पूछा गया और उनको लगता है कि भाई उनके पास डेटा फैक्ट नहीं है, तो जल्दी से आपने देखा होगा कई बार स्लिप्स दी जाती हैं, तो आपके हाउस के मार्शल्स होते हैं वो ना, आपको देखा होगा आपने अगर प्रोसीडिंग देखी होगी तो स्लिप पास होनी होती है, तो वो मिनिस्टर्स के सेक्रेटरीज होते हैं जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं. डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हो गए, जैसे टेलीकॉम सेक्रेटरी हो गए, कोल सेक्रेटरी हो गए, ये सारे लोग इन्फॉर्मेशन उनको स्लिप में पास ऑन करते रहते हैं कि मान लो अगर आंसर देने के लिए कुछ डेटा या फैक्ट चाहिए. एम पी इज यूजली आस्क क्वेश्चन टू होल्ड मिनिस्टर्स अकाउंटेबल बट द रूल्स ऑल्सो प्रोवाइड दैट एन एम पी कैन आस्क अनदर एम पी अ क्वेश्चन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि द क्वेश्चन इज आस्क्ड बाई एनी एम पी मेंबर ऑफ द हाउस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि भाई आपने क्या काम करा, आपकी सरकार क्या काम कर रही है. बट ऐसा नहीं है कि आप दूसरे एम पी से नहीं पूछ सकते, एक एम पी दूसरे एम पी से भी पूछ सकता है, इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम, अगर आ जाए इट इज ओनली अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट इट कैन बी आस्क्ड. नो, इट कैन बी आस्क्ड बाई एन एम पी अगेंस्ट एन एम पी ऑल्सो. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के लिए नहीं होता. ठीक है, दे कैन आस्क कोलीग ऑल्सो अ क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड देखोगे तो मैंने जैसा आपको बताया था कि पहले भी सस्पेंशन हो चुका है. शोज ड्यूरिंग द चाइनीज अग्रेशन इन 1962 द विंटर सेशन वॉज एडवांस्ड द सिटिंग ऑफ द हाउस स्टार्टेड एट 12 PM एंड देर वॉज नो क्वेश्चन आर हेल्ड. इस बार भी कुछ सिमिलर चीज़ें हैं, चाइनीज अग्रेशन ही है इस बार भी देखो. एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जी, ये है एक्ट ऑफ गॉड. कोविड मतलब एक्ट ऑफ गॉड मतलब कोविड. सो अब एक्ट ऑफ गॉड है, कोविड है और जीडीपी भी गिरी रही है, तो उसमें ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते. ऊपर से चाइनीज एग्रेशन अलग है. सो चाइना 1962 में हुआ था, इस बार भी हो रहा है. सो बिफोर द सेशन चेंजेस वर मेड लिमिटिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन देयर आफ्टर फॉलोइंग एन अग्रीमेंट बिटवीन द रूलिंग एंड ऑपोजिशन पार्टी इट वॉज डिसाइडेड टू सस्पेंड द क्वेश्चन आवर. निरंजन मेहरा, ऑफ कोर्स जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वही तो डिसाइड करेंगे ना कब क्या चीज चल सकती है. उनका उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस को रन करना. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन आर को लेके क्वेश्चन. उसके बाद हम लोग ये आर्टिकल देखेंगे जल्दी से आज. ठीक है, रिगार्डिंग फ्लैटनिंग द कर्व ऑफ इकोनॉमिक क्योस, तो उन्होंने जयती घोष जी ने लिखा है, शी इज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट JNU. तो उन्होंने बताया कैसे गवर्नमेंट जो है थोड़े रिफॉर्म कर सकती है इकोनॉमी को, और ये एक्ट ऑफ गॉड को
एक्ट ऑफ गॉड से कैसे हम लोग बच सकते हैं, उससे कैसे रिकवर कर सकते हैं, उसके बारे में आर्टिकल है तो उसको हम लोग देखेंगे, बट पहले वी विल डिस्कस द अदर नेशनल न्यूज ऑल्सो. सो गवर्नमेंट बैन्स पबजी, वी चैट, वर्क, 116 अदर मोबाइल ऐप्स. ठीक है, इसको बैन किया गया अंडर सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट. हमारे लिए कौन से ऐप बैन हुए, एक्सेप्ट पबजी से मतलब नहीं है. ठीक है, सिर्फ हमें मतलब होना चाहिए कि हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है कि कौन से सेक्शन के अंदर, प्रोविजन के अंदर इसको बैन किया गया. सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट के अंदर इसको जो है बैन किया गया इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. तो 69A जो है ये पावर देता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई यू नो दे कैन ब्लॉक इट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर, फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटिंग टू द अबव, इट मे बी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द सब क्लॉज 2. ठीक है, तो जो पब्लिक एक्सेस है उसका रोका जा सकता है. अभिषेक, जरूरी नहीं है ऐसा सस्पेंड करने के लिए ऑपोजिशन पार्टीज से परमिशन लेना. बेसिकली क्या होता है, यह प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पावर होती है. गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं कर सकती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सस्पेंड करता है. तो राज्यसभा के जो चेयरमैन साहब, उन्होंने बोल दिया और लोकसभा के स्पीकर ने बोला हाँ इस बार नहीं होगा. अब क्या बोल सकते हैं इस बारे में आप देखो, लोकसभा के स्पीकर भी MP BJP के हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं, वैसे तो सारे दोनों ही न्यूट्रल पोजिशन होती हैं, बट आई कांट से मच. ठीक है, आप लोग खुद ही समझदार हैं, तो उनको न्यूट्रल स्टैंड लेना चाहिए. बट अगर उन्हें लगता है कि भाई ये जो क्वेश्चन आर है इसको हटाना ज़रूरी है, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन आर के लिए एक पॉजिटिव चीज़ बताता हूँ, हटाने का एक और रीज़न क्या हो सकता है जो मुझे लगता है गवर्नमेंट की साइड से है, कि बहुत ज़्यादा बिजनेस डिस्टर्ब्ड हो गया. इतने टाइम से इतने सारे पेंडिंग बिल्स हैं, तो पेंडिंग बिल्स और टास्क बहुत सारे हैं जिनको करना, पास कराना बहुत ज़रूरी है. तो क्वेश्चन आर में क्या होता है, एक तो डिस्ट्रप्शन बहुत होता है, धरना, वॉकआउट, ये सब चीज़ें होती, क्योंकि जवाब तो दे नहीं पाएगी सरकार रिलेटेड टू GDP डिक्लाइन. क्योंकि क्या करें, उसमें सही बात है, एक्ट ऑफ गॉड है, क्या करेंगे, बताओ क्या कर सकते हैं. तो उन्हें लगा कि इससे बेटर है कि भाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर से डिस्कस करके ऑपोजिशन को कन्वे कर दिया गया है कि इस बार क्वेश्चन आर नहीं होगा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पेंडिंग बिल्स एंड बिजनेस जिसको हमें खत्म करना है बिकॉज ऑफ डिले इन कोविड. तो वो चीज़ है. जहाँ तक भी इनके ऐप्स के ब्लॉक करने की बात, तो सेक्शन 69A बस याद रखना आपको, और बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. उसके अलावा दिल्ली मेट्रो को ये लोग रीओपन कर रहे हैं, 3 फेजेस में खुलेंगे, पहले येलो लाइन, फिर ब्लू लाइन, फिर ऐसे अलग अलग स्टेजेस में खुलेंगे. और टाइमिंग का ध्यान रखिएगा आप लोग जो अगर ट्रैवल कर रहे हैं, कि टाइमिंग बिल्कुल अलग होगी. 7 बजे से सुबह 11 बजे तक होगी एक स्टेज में, फिर 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में होगी. दिन में नहीं चलने वाली है मेट्रो. सो आई थिंक इट इज़ ओनली ड्यूरिंग द ऑफिस वर्किंग आवर के टाइम पे ये लोग मूव कर रहे हैं, एंड पूरे दिन भर, अब रात भर कनेक्टिविटी नहीं रहेगी. तो द थिंग्स विल नॉट बी द सेम एज दे वर बिफोर, कि लोग घूमते थे मेट्रो में, कपल्स ट्रैवल कर रहे हैं मेट्रो में. आप देखोगे राजीव चौक पे जो नज़ारा होता था, वो नज़ारा और जो भीड़ होती थी वो आप शायद विटनेस ना कर पाए. उसका रीज़न बता रहा हूँ, रूल्स में ये बोला गया है SOP में कि जिस स्टेशन पे ज़्यादा भीड़ दिखेगी उस स्टेशन को स्किप कर दिया जाएगा. सो इफ़ द स्टेशन, इफ द ड्राइवर फाइंड्स दैट भाई इस स्टेशन पर आने वाले में बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा भीड़ आ सकती है, उस वाले स्टेशन से जो है ट्रेन जो है स्किप कर दी जाएगी. आप बताओ ऐसा भी हो सकता है. और जहाँ पे लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा क्राउड होने के चांसेस हैं, या फिर अगर कंटेनमेंट जोन से पास करेगी ट्रेन, अगर वो स्टेशन कंटेनमेंट जोन में आता है तो वो स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकेगी, बेसिकली पास मिल जाएगा उसे. तो राजीव चौक वालों के लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता अब, कि अगर राजीव चौक में भीड़ करेंगे वो लोग तो दैट मीन्स कि ट्रेन पास हो जाएगी. तो अब देखते हैं क्या होता है. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक और ये है कि अब जो दिल्ली मेट्रो है वो आपकी AC मेट्रो नहीं रहेगी. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मेट्रो में आप चेंजेस कर रहे हो, क्योंकि अब आप गर्म हवा भी खींचोगे आप, एंड इनटेक ऑफ फ्रेश एयर की बात की जा रही है, तो सिस्टम अगर आप देखोगे, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है, तो हाउ डज दी मेट्रो का जो है एयर सर्कुलेशन सिस्टम काम कैसे करता है. तो एयर जो होती है आपकी कॉन्स्टेंटली, उसको खींचा जाता है थ्रू द वेंट्स, उसको कूल किया जाता है, फिर फिल्टर किया जाता है बिफोर इट इज़ पुश्ड बैक इनटू द सर्कुलेशन. एट द सेम टाइम आउटसाइड एयर इज पुल्ड इनटू द सिस्टम कंबाइंड विद एग्जिस्टिंग मिक्स एंड रिलीज्ड इनसाइड थ्रू डक्ट पैनल विच स्पैन्स द सीलिंग. तो हवा बाहर से आती है और अंदर रीसर्कुलेट भी होती रहती है. तो दिस इज हाउ द एयर मूव्स थ्रू अ टिपिकल मेट्रो कोच. कंटिन्यूस एयर फ्लो थ्रू दीज वेंट्स हेल्प लिमिट्स द वायरल पार्टिकल्स फ्रॉम बिल्डिंग अप इनसाइड अ कार एंड इन्फेक्टिंग पीपल एज दे इनहेल. तो इसमें ना फिल्टर लगे होते हैं ऊपर, तो पहले एयर ली जाती है, ठीक है, इसको जो है कूल करके फिर फिल्टर करके इसको सर्कुलेट किया जाता है और कंटिन्यूसली एयर ली जाती है फ्रेश. बट अब क्या है कि जो SOP आया है उसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि कुछ स्टेशन्स पे ज़्यादा देर मेट्रो रुकेगी ताकि और ज़्यादा फ्रेश एयर इनटेक किया जा सके, लोगों के बीच में थोड़ी दूरी बना के रखी जाएगी, ऑल्टरनेटिव सीट्स को खाली छोड़ा जाएगा, एंड जो ये सर्कुलेशन सिस्टम है, जो वेंटिलेशन सिस्टम है, इसमें
ज्यादा से ज्यादा फ्रेश एयर खींची जाएगी। तो अब उससे क्या हो सकता है, क्योंकि अब बाहर गर्मी है दिल्ली में, तो गर्म हवा खींची जाएगी, तो जितना ठंडी हो सकती है उतनी ठंडी होगी। दैट मीन्स ठंडी तो रहेगी बट उतनी ठंडी नहीं होगी जितनी ठंडी आप लोग पहले एक्सपेक्ट कर सकते। बिकॉज क्या होता है कि एक बार जब आप एयर खींच लेते तो आप उसको रीसर्कुलेट करते हो ठंडी एयर को, तो ज़्यादा कूलिंग होती थी। अब क्या होगा, जितनी बार फ्रेश एयर अंदर आएगी उतनी बार वो कूल होता रहेगा, तो उतनी ज़्यादा कूलिंग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये है, दिस इज हाउ योर सिस्टम वर्क्स। बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। उसके अलावा ये आज के डेटा पॉइंट में सुसाइड रेट्स के ऊपर एक डेटा आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बता रहा है डेथ्स बाय सुसाइड, एनसीआरबी का एक्चुअली डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है। सो डेथ बाय सुसाइड इंडिया इंक्रीज इन 2019 कम्पेयर टू द ईयर बिफोर, वाइल मोस्ट मैन डाइड बाय सुसाइड फीवर मैन डाइड। ये उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो सोशियो के स्टूडेंट्स हैं मेरे, एमिल डर्खाइम बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं सोशोलॉजी के, इन्होंने सुसाइड पे काम किया था। तो ये सुसाइड जो है उसके ऊपर डेटा है, इन्होंने बताया कि 2019 में सुसाइड इंक्रीज हुआ है और मोस्ट जो है मैन ने सुसाइड कमिट किया है देन वुमेन। शायद मैन ज़्यादा खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से आजकल। एंड मोस्ट ऑफ द हु किल देमसेल्व्स वर मेल डेली वेज वर्कर्स, मोर फार्मर्स हु ओन लैंड डाइड बाय सुसाइड देन दोज हु वर लैंडलेस। तो जिनके पास ज़मीन थी उनकी ज़्यादा डेथ हुई है लैंड फार्मर्स की, एंड डेली वेज अर्नर्स जो है उनके बीच में अगर देखोगे उनका डेटा ये बताता है कि उनकी ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा सुसाइड कमिट किया। तो सुसाइड अमंग विमेन हैव फॉलन इन द 4 of the last 5 years। तो डेटा आप दिखा रहा है कि विमेन में कम हो गया है, -2.9% हो गया, वहीं पे मेल में आप देखो 0 से 3.5 to 6% पहुंच गया है। अमंग ऑल प्रोफेशंस इन 2019 मोर देन 80% ऑफ दोज हु डाइड बाय सुसाइड विमेन, हाउएवर अमंग स्टूडेंट्स द जेंडर गैप वॉज वेरी वेरी नैरो। तो अगर स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स में मेल और फीमेल का रेशियो ऑलमोस्ट सेम है। दैट मींस इवन स्टूडेंट्स में जो प्रेशर है पढ़ाई को लेके, फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, वो फीमेल्स पे भी उतना ही है जितना मेल्स पे, आई थिंक फीमेल पे और भी ज़्यादा है। तो अगर स्टूडेंट्स की बात करोगे तो 46% जो स्टूडेंट्स हैं वो फीमेल हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है। अदरवाइज अगर आप प्रोफेशन वाइज कंपेयर करोगे तो डेली वेज अर्नर्स में बहुत ज़्यादा है, and mostly it is the labor. So around 23% of those who killed themselves in 2019 were daily wage earners. और farmer suicide में भी जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, ये orange curve आपको दिख रहा है ऊपर वाला, ये है जिन्होंने सबसे ज़्यादा suicide किया है, वो जिनके पास ज़मीन थी, क्योंकि शायद उन्होंने किराए पे लिया था या उसका टेन जो रेंट नहीं पे कर पा रहे, जो ज़मीन थी वो उसको उन्होंने उसके लिए उधार लिया होगा ज़मीन को गिरवी रख के। और agricultural laborers जो है सेकेंड नंबर पर, और थर्ड हैं जो farms on contract lease पे हैं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ देखो न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, आपके ऑप्शनल के लिए जो भी डेटा मिलेगा ना, जिसको मसाला बोलते हैं हम लोग, कि ऑप्शनल में अच्छे आंसर लिखने के लिए जो मसाला है वो आपके न्यूज़पेपर से मिलेगा, सिर्फ समरी पढ़ लेने से नहीं होता। तो इसलिए मैं भले ही आपको वीडियो देखने के लिए अपना बोलता हूँ, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बट प्लीज़ फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि एक बार न्यूज़पेपर को जल्दी स्कैन कर लो, क्या पता आपको अपने ऑप्शनल के मतलब से मिल जाए चीज़ें। बट मैं जनरली बता देता हूँ कि देखो ये साइकोलॉजी के लिए, सोशोलॉजी के लिए, एंथ्रोपोलॉजी के लिए, बट फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग से कि आप देखो हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगा, एनालिसिस मिल जाएगा, बट फिर भी आप लोग एक बार न्यूज़पेपर की ना क्विक स्कैनिंग कर लिया करो, ताकि आपका जो है ऑप्शनल वाला पार्ट है वो थोड़ा कवर्ड रहे। सो कर्मयोगी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया इन नोट्स के फॉर्मेट में, दिस आल शेयर विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है जिसको कंप्राइज करेगा ऑफ सेलेक्ट यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स होंगे, एमिनेंट पब्लिक एचआर प्रैक्टिशनर्स होंगे। ठीक है, ये चेयरमैनशिप में होंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के, जो डिसाइड करेंगे कि कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग बेटर की जा सकती है। उसके अलावा इंडिया चाइना टॉक्स एट चुशूल रिमेन इनकंक्लूसिव, तो दोनों पैंगोंग सो लेक के पास ट्रूप्स बिल्डअप बहुत ज़्यादा है, टेंशन है अभी, हमें पता नहीं चल रहा है बट काफ़ी ज़्यादा टेंशन वहाँ पर डेवलप हो रखी है। थर्ड डे ऑफ ब्रिगेडियर लेवल टॉक्स ऑन वेंसडे बिटवीन इंडिया एंड चाइना चुशूल टू डीएस्केलेट द सिचुएशन ऑन द साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग सो रिमेन्स इनकंक्लूसिव। द टॉक्स आर इंपॉर्टेंट एज टेंशंस आर स्टिल रनिंग हाई इन चुशूल सेक्टर विद अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स डिप्लॉयड ऑन बोथ द साइड्स। The army brought in additional troops following the development of the August 29 and 30 provocation. तो चुशूल सेक्टर जो है वो कहाँ पे, आप देखो ये मैप है, आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग जब लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, ये 2019 से अगर आप देखोगे अप्रैल, ये CIA की रिपोर्ट से डेटा है। CIA की रिपोर्ट बताती है कि 2019 अप्रैल के बाद से कितने सारे चाइनीज इंकर्शन हुए हैं या LAC का वायलेशन हुआ है। तो पहला आप देखोगे दौलत बे गोल्डी ऊपर यहाँ पे काराकोराम पास के पास June 2 को देपसांग एरिया में हुआ था। उसके बाद May 5 में गलवान वैली, तो आपको पता ही है पूरा गलवान रीजन है ये, मैं मैप आपको नोट में शेयर कर दूंगा, बहुत ही अच्छा मैप है CIA की फैक्ट बुक्स का। फिर May 5 में ये हॉट स्प्रिंग है यहाँ पे,
और मई 17 को पैंगोंग सो लेक जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था फिंगर्स, ठीक है, फिंगर्स जो थे वहाँ पे, और उसके नीचे चुशूल सेक्टर यहाँ पे जहाँ पे अभी, सो करेंटली पैंगोंग सो के ही पास नीचे चुशूल वैली है, वहाँ पे ये करंट अभी इशू चल रहा है। और नीचे आप देखोगे ये सब एरिया में डेमचौक रीजन है, यहाँ पे भी हो चुका है पहले, और चोंगला रीजन है यहाँ पे भी हो चुका है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपके सिचुएशन है। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए, ये जो है ऊपर जो डॉटेड लाइन है साइड में, इसको हम लोग जॉनसन लाइन भी बोलते हैं, जिन्हें नहीं पता, जो इंडिया बोलता है कि हमारा यहाँ तक पूरा बॉर्डर है। बीच में मैकार्टी मैकडोनल्ड लाइन थी 1899 में, उसने ये लाइन डिसाइड की। उसके पहले फॉरेन ऑफिस था लाइन, उन्होंने 1873 में डिसाइड करी। चाइना बोलता है भाई हमारी जो ये डॉटेड लाइन है पूरा इतना एरिया हमारा है, चाइना बोल रहा है, चाइनीज लाइन जो बोलता है ये बोल रहा है डॉटेड वाला, ये पूरा एरिया हमारा है। और प्रेजेंट LAC जो है वो ये ब्लैक डार्क वाली लाइन है, क्योंकि LAC जो है वो करेंटली ये। तो चाइनीज 1965 क्लेम लाइन अफर्म बाय प्रीमियर शो एन लाई दिसंबर 1959 एज द करेक्ट बाउंड्री बिटवीन क्लेम बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ठीक है। तो ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक सब कुछ समझ में आ गया, फटाफट से वीडियो जितने लोग देख रहे हो फटाफट से लाइक कर दो। डिसलाइक वालों के बारे में तो क्या बोल सकते हैं, उनका तो कुछ नहीं हो सकता, अब सैडिस्टिक प्लेजर्स इन लाइफ, ठीक है। फटाफट इसको वीडियो को लाइक कर दें जितने लोग अभी तक यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा 3 मोर ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। सो द यूनियन कैबिनेट ऑफ रेडनेस अप्रूव्ड अ बिल टू इंक्लूड कश्मीरी डोगरी एंड हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके पहले इंग्लिश और उर्दू हुआ करती थी, अब क्योंकि क्या हो गया है, अगर आप देखोगे कि अब तो यूनियन टेरिटरी में आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर के LG साहब की पावर भी बहुत ज़्यादा हो गई, दिल्ली के LG से भी ज़्यादा पावर है। सो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल है उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, टू मेक उर्दू कश्मीरी डोगरी हिंदी एंड इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द यूनियन टेरिटरी। बिल लाना पड़ता है इसके लिए, तो इसके लिए आपका असाइनमेंट है आज का, असाइनमेंट ये है कि आपको पढ़ के आना पड़ेगा कि कल मैं पूछूंगा आप सब लोगों से कि ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके क्या प्रोविजंस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। प्रोविजन क्या है इसको पढ़ के आना पड़ेगा आपको, मैं कल आप लोग से पूछूंगा क्विज में ऑफिशियल लैंग्वेज। सब लोगों की ये टास्क है, चाहे आप लक्ष्मीकांत से पढ़ो चाहे कोई बुक से पढ़ो, मुझे कोई मतलब नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ो, ठीक है। तो असाइनमेंट है आपका कि ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके क्या प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कल आपसे मैं पूछूंगा। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू किया है फॉर होल्डिंग एग्जाम, कि एग्जाम कैसे कंडक्ट कराना है। सो उन्होंने बोला ओनली एसिम्प्टोमेटिक स्टाफ एंड स्टूडेंट शैल बी अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल एंड ओनली दोज एग्जामिनेशन सेंटर्स विच आर आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन शैल बी अलाउड टू फंक्शन। एंड द मिनिस्ट्री सेड दैट दीज सेंटर्स आर फ्रीक्वेंटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम एंड देयरफॉर वाइटल टू प्लान एंड कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन। तो उसमें उन्होंने प्रॉपर बनाया कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो एसिम्प्टोमेटिक होगा तो अलाउ करेंगे, सिम्टम्स होगा तो दिक्कत है, फिर उनके लिए दिक्कत है। एंड द मिनिस्ट्री सेड दैट द स्टाफ एट द हाई रिस्क ओल्डर एम्प्लॉयज प्रेगनेंट वुमेन शैल नॉट बी डिप्लॉयड फॉर इनविजिलेशन एंड ऑल्सो। इसलिए आप देखो कि जो JEE और नीट का एग्जाम हो रहा है उसमें ना इस बार बच्चों को और जो यंग लोग हैं उनको डिप्लॉय किया गया राधर देन एजड, आप कह सकते हो आपके जो ऑफिशल्स हैं। फॉर पेन एंड पेपर टेस्ट के लिए इन्विजिलेटर विल सैनिटाइज हिज हैंड्स प्रायर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, द एग्जामिनीज विल ऑल्सो सैनिटाइज देयर हैंड्स बिफोर रिसीविंग सच पेपर एंड हैंडिंग देम बैक टू इन्विजिलेटर्स। ऑल्सो द आंसर शीट विल बी प्रेफरली बी ओपन्ड आफ्टर दी 72 आवर्स आफ्टर कलेक्शन। तो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले भी सैनिटाइज, आप कॉपी दोगे एग्जामिनर को तब भी सैनिटाइज करना पड़ेगा, स्टाफ दे देगा, और एक बार कॉपी दे दी जाएगी तो उसको 72 आवर्स तक नहीं कोई खोलेगा, उसके बाद ही खोलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आ जाते हैं हम लोग ज़रा फटाफट से जो हमारा एक एनवायरनमेंट को लेकर न्यूज़ आई है, दिस रिगार्डिंग एनवायरनमेंट ब्लू पैंसी बटरफ्लाई। सो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है ये ब्लू पैंसी बटरफ्लाई है, इन कोलैबोरेशन विद निनॉक्स आउट विच अबाउट नेचर एंड द पार्टनर सेलिब्रेटिंग द बिग बटरफ्लाई मंथ इन इंडिया इन सेप्टेम्बर 2020। देर विल बी अ फॉर्मल बैकयार्ड बटरफ्लाई काउंट बिटवीन सेप्टेम्बर 14-20 अक्रॉस इंडिया। अब देखो वैसे भी आजकल बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा हो गई हैं बिकॉज ऑफ द क्लीन एनवायरनमेंट। ठीक है, सो द फोर लेग्स ऑफ द फ्रंट पेयर ऑफ द लेग्स इन दिस फैमिली आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड आर कवर्ड विद हेयर, दस टेंड टू लुक लाइक ब्रशेस। द बटरफ्लाई इज इलेक्ट्रिक ब्लू ऑन द अपर विंग एंड एन अर्दी ब्राउन ऑन दी
अंडर हैंड, तो ये ऊपर इलेक्ट्रिक ब्लू है और ये ब्राउन कलर है इसका, ठीक है, तो ये इसको ब्लू पैंसी बोलते हैं. सो मेल एंड द फीमेल लुक सिमिलर, दो द मेल इज स्लाइटली मोर वाइब्रेंट. द मेल्स आर एक्सट्रीमली टेरिटोरियल, ट्राइंग टू वेड ऑफ द अदर मेल्स एंड व्हेन थ्रेटन्ड इट क्लोजेस टू विंग्स टू रिवील इट्स अंडर साइड विद द ब्राउन शेड इज ऑनर टू कैमोफ्लेज. तो ये क्या होती है कि जनरली इसका ब्राइट कलर होते हैं जब, लेकिन इसको खतरा लगता है तो ये बाकी अंदर के विंग्स बंद कर देता है ताकि ब्राउन वाला दिखे. तो ये जो ये देखते हो आप, ये कभी बटरफ्लाई में नोटिस किया ये आग जैसा क्यों है? ये आग जैसा बना है इज अ डिफेंस मैकेनिज्म उसका, डराने के लिए प्रेडेटर को, प्रेडेटर्स को डराने के लिए बना होता है ये, कि जब कोई प्रेडेटर आएगा तो ये ना उसको बंद कर देते हैं. इट लुक्स लाइक आई, तो उनको लगता है कि उसको देख रहा है. सो ब्लू पैंसी लेज सिंगल लेग ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम प्रेडेटर्स. तो ये ब्लू पैंसी बटरफ्लाई को लेके आया. दूसरा ये जो है ये एस्ट्रॉइड वाली जो हम बात करने वाले थे, तो एस्ट्रॉइड ट्वाइस एज बिग एज गीजा पिरामिड, पिरामिड से बड़ा जो है वो अर्थ के ऑर्बिट के बहुत पास से निकलेगा. सो नासा ये ट्रैक कर रहा है एस्ट्रॉइड है, इसका नाम है 4658-42210 FR, विच इज ट्वाइस एज बिग एज द पिरामिड ऑफ गीजा एंड एक्सपेक्टेड टू क्रॉस द अर्थ्स ऑर्बिट ऑन September 6th. इट इज क्लासिफाइड एज नियर अर्थ ऑब्जेक्ट एंड अ पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड. तो उसको 2010 में मार्च 18 को डिस्कवर किया गया था बाय द कैटालिना स्काई सर्वे. और जो नेमिंग होती है एस्ट्रॉइड्स की कौन करता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. यही आपके प्लैनेट्स को ड्वार्फ प्लैनेट्स भी क्लासिफाई करता है, जिन्होंने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट क्लासिफाई कर दिया, ठीक है. सो एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन मच स्मॉलर देन प्लैनेट्स. दे आर कॉल्ड एज माइनर प्लैनेट्स, बट जनरली बड़े होते हैं देन मीटियोर्स, मीटियोरॉइड्स होते हैं. और मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड आपको कहाँ मिलेगा? एस्ट्रॉइड बेल्ट में. बट इसका मतलब ये नहीं है कि एस्ट्रॉइड सिर्फ एस्ट्रॉइड बेल्ट में मिलता है, वो हर जगह कहीं पर भी मिल सकता है स्पेस में. ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि एस्ट्रॉइड्स आर ओनली फाउंड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट. नो, दे कैन बी फाउंड एनीवेयर एल्स, बट मोस्टली दे आर फाउंड अराउंड द एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. सो एज पर नासा मोर देन 9,94,000 इज द काउंट फॉर नोन एस्ट्रॉइड्स, द रेमिनेंस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम ओवर 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. Most of the asteroids are found in the asteroid belt between Mars and Jupiter, which is estimated to contain somewhere between 1.1 to 1 million by 9 million asteroids. Other than those found in the main asteroid belt, asteroid can be classified into Trojans, which are asteroids that share an orbit with a larger planet. So, Trojan, maan lo, aaja exam mein ki kya hota hai? It is also an asteroid. Trojan is a type of asteroid, jo apna orbit share karta hai with a larger planet. Third classification hota hai asteroids ka as near Earth asteroids, which have orbits that pass very close to the Earth and they have potential कि वो Earth के orbit में atmosphere में enter कर सकते हैं. तो ये इनको हम Earth crossers भी बोलते हैं. तो अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए NASA और काफ़ी सारी space agencies काम करती हैं. जैसे ये DART mission है, इसका नाम, इसको आप देखोगे इसका है पूरा ADA DART नाम है इसका. तो ये जो इसमें क्या करते हैं कि ये जो ADA is basically asteroid impact and deflection assessment. तो इसमें क्या होगा, ये सैटेलाइट कोई ऑर्बिट कर रही होगी तो डिफंक्ट होगी या उसको स्पेसिफिकली बनाया जाएगा, और वो सैटेलाइट को क्या करेंगे, कोई एस्ट्रॉइड अगर अर्थ के आने आसपास आने वाला होगा तो उसमें इम्पैक्ट करा देंगे ताकि वो झटके से या एक्सप्लोजन से वो अपना ऑर्बिट का पाथ चेंज कर दे. जैसे डिडिमॉस जो है ये 780 मीटर वाइड एस्ट्रॉइड है, अभी 11 मिलियन किलोमीटर अवे है. और उसके आप देखोगे डिडी मून करके एक उसका मून है, बेसिकली एस्ट्रॉइड भी उसका भी मून है जो उसके अंदर अगल बगल रिवॉल्व कर रहा है. तो उसका ताकि वो अर्थ के पास ना आए, उसका पाथ चेंज करने के लिए डार्ट मिशन है जैसे ये. तो डार्ट में क्या होगा, वो ये जो सैटेलाइट है उसको जाके ये लोग बैन कर देंगे उसमें, ताकि एक्सप्लोजन से वो झटके से वो अपना, जैसे अभी ऐसा ऑर्बिट है होता कुछ नहीं है क्योंकि ऐसे स्फेरिकल ऑर्बिट होते हैं. अब मान लो उसको मैंने झटका दे दिया तो वो शायद आउटर ऑर्बिट में चला जाएगा, तो वो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगा. तो ये हमारा डार्ट जो मिशन है इसका पर्पज़ है. ठीक है, तो इसका नाम है डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉइड प्रोटेक्शन टेस्ट, और ADA इज एस्ट्रॉइड इंपैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट. तो ये नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हैं. ठीक है, तो ये थी चीज़ें. इसके अलावा कुछ और जो हैं चीज़ें हमारी मैंने आप लोगों को नोट्स के फॉर्मेट में दी हुई हैं, तो उसमें भी देख लेते हैं एक बार. एंड बाकी नेक्स्ट विल फटाफट सी दी आर्टिकल रेलिवेंट फॉर द एग्जाम जो आज हमारा आया हुआ है, दैट इज़ रिगार्डिंग योर इकोनॉमी. तो ये एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, वॉट मेक्स एस्ट्रॉइड डेंजरस. अकॉर्डिंग टू द प्लैनेटरी सोसाइटी, यू नो दैट कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज अबाउट इम्पैक्टिंग द आर लार्जर दैन 30 meters. 30 meters से जनरली जो बड़े होते हैं वो पोटेंशियल डैमेज कॉज कर सकते हैं अर्थ के ऊपर. एवरी ईयर अबाउट 30 स्मॉल एस्ट्रॉइड्स हिट द अर्थ, बट इनसे कोई हमें ज़्यादा टेंशन नहीं. टेंशन है हमारे पास हमारे लिए बड़े जो एस्ट्रॉइड्स हैं.
So according to NASA, potentially hazardous asteroids are currently defined based on the parameter that measure the asteroid's potential to make threatening close approach to Earth. ठीक है, बट ये जो पोटेंशियली हैजार्डस होते हैं जरूरी नहीं हमेशा इम्पैक्ट करें. तो जो डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, क्या मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डिडिमॉस मिशन था, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था 2018 में नासा का. डार्ट मिशन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा और ESA ने मिलकर कंबाइंड ये मिशन स्टार्ट किया है. ठीक है, तो ये आपका इसको लेके था. बाकी न्यूज़ में आया है रिसेंटली कि ताइवान जो है अपना पासपोर्ट चेंज कर रहा है. सो ताइवान अनाउंस वेंसडे इट वुड रीडिजाइन इट्स पासपोर्ट टू हायर इट्स नो नेम. सो ताइवान्स लेजिस्लेचर पास अ प्रपोजल बाय यूनानिमस वोटिंग टू रिमूव रिपब्लिक ऑफ चाइना प्रिंटेड इन इंग्लिश. उनके पासपोर्ट पर लिखा हुआ था, बट इट विल स्टिल कंटिन्यू फीचर यूजिंग चाइनीज कैरेक्टर जो है पासपोर्ट पे. चाइनीज में मैंडरिन में प्रिंटेड रहेगा, बट इंग्लिश वाला जो है वो हट जाएगा. तो रिपोर्ट्स ऐसे ताइवान नेशन हैड फेस्ड डिफिकल्टीज ड्यूरिंग ट्रैवल. क्योंकि आपको पता है ना क्या होता है, अब वो क्या है, चाइना से जो भी लोग आ रहे हैं उन पर स्क्रूटनी है इस समय, अब कोविड के टाइम पे और रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, तो ताइवान जो नेशनल्स हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है. तो इस वजह से ताइवान की सरकार ने, ये असेंबली ने डिसाइड किया है कि यहाँ से जो है आप लोगों का ताइवान जो इंग्लिश में लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ चाइना वो हटा देंगे. इट विल स्टिल कंटिन्यू टू बी प्रिंटेड इन मैंडरिन, क्योंकि है तो चाइना की टेरिटरी. सो ऑब्जर्वर बिलीव्स मे बी यूजिंग द अपॉर्चुनिटी टू असर्ट इट्स सोवरेनिटी एंड मे मूव अवे फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ चाइना. तो अब चाइना इससे नाराज भी हो सकता है, क्योंकि ताइवान के साथ बहुत टाइम से इशू चल रहा है. वो बहुत डिमांड भी कर रहे हैं कि उन्हें इंडिपेंडेंट चाहिए, सॉवरेनिटी चाहिए, क्योंकि अभी वो अधीन है चाइना के. सो इन द पास्ट ताइवान सिटीजन हैव यूज स्टिकर सेइंग रिपब्लिक ऑफ ताइवान टू ब्लॉक द वर्ड्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन देयर पासपोर्ट. व्हेन द ट्रेंड स्टार्टेड इन 2015 चाइना हैड वॉर्न्ड दैट इट वुड नॉट डिनाई एंट्री टू ट्रैवलर्स हु हैड यूज्ड दीज स्टिकर्स. 2016 में रिपोर्ट आई थी ऑफ मकाओ डिनाइंग एंट्री टू ट्रैवलर्स बट यूज देयर स्टिकर्स ऑन द पासपोर्ट एज डिड हांगकांग. ठीक है, PDF दीपांशु सिंह UPSC टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगी. UPSC बाय DS करके लिखा जाएगा उस पर. बाकी अनअकैडमी के आर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी. उसके अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन जो है वो लेबनन गए विजिट पे. आपको बताया ऑलरेडी टेंशन चल रही है, हमने कल डिस्कस किया था, नए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे स्वॉर्न इन होने वाले हैं. इज अ फॉर्मर डिप्लोमैट. कन्फेशनिस्ट सिस्टम है गवर्नमेंट का स्टेट ऑफ लेबनन में, अगर आप देखेंगे. एंड लगभग $8 बिलियन का डैमेज हुआ है आफ्टर दैट ब्लास्ट. विजिट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही द फ्रेंच प्रेसिडेंट फॉर्मली मेट फायरूज हु इज अ वेरी फेमस सिंगर देयर एंड कंसिडर्ड एज अ यूनिफाइंग फिगर इन द कंट्री. And he said he wanted to usher in a new political chapter. क्योंकि ये सारी जो है पहले French territories हुआ करती थी. And उन्होंने फिर और बाकी क्या है कि इसीलिए आप अभी भी देखो कि सारी की सारी कंट्री जो हैं, जो पहले कॉलोनियल पावर्स रहे हैं, यू नो UK और फ्रांस, अभी भी अपना थोड़ा बहुत पावर और इन्फ्लुएंस असर्ट करते हैं यहाँ पे. So with regional powers like Saudi Arabia and US have taken a backseat, France is now trying to fill in the vacuum. President Macron has also expressed support for an overhaul of the current sectarian violence between Lebanese, Shiites, Sunnis and Christians. So tino keh sakte ho aapke sect and religion ke logon ke liye government mein positions reserved hai. तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि चाइना जो है अपने जो है टैक्टिक्स पे बाज नहीं आ रहा है. ठीक है, दे आर यूजिंग अलग अलग टैक्टिक्स टू प्रोवोक इंडिया. एंड सो नॉन वॉर मिलिट्री एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लोग. तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इंटरनेशनली डोमेस्टिकली मल्टीपल डोमेन. सो दीज ऑपरेशन इंक्लूड कोअर्सिव थ्रेट्स और वायलेंस बिलो द लेवल ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट. तो हम इसको NWMA बोलते हैं कि पोटेंशियल, मतलब फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं होता, कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें करते रहेंगे जो वॉर लेवल एस्केलेशन से नीचे होता है. तो इसको बोलते हैं नॉन वॉर मिलिट्री एक्टिविटीज़. या तो प्रोवोकेशन करेंगे या फिर थोड़ा सा एक छोटे मोटे कोअर्सिव एक्शन वायलेंस हो सकता है जो वॉर लेवल तक ना जाए. इनफैक्ट गलवान वैली भी जो इशू हुआ है वो भी उसमें काउंट हो सकता है. बट ये हर जगह आप देखो कहाँ पे हो रहा है, जैसे अभी वियतनाम के ऊपर उन्होंने मिसाइल फायर कर दी साउथ चाइना सी में, वो भी सेम ही आता है. तो ये सब चीज़ें जो हैं इस वजह से चाइना अभी बाज नहीं आ रहा हर जगह से, ऊपर नॉर्दर्न एरिया में बॉर्डर से और साउथ में पानी में हरकतें कर रहा है. सो ओवरसीज बेसिस की बात करोगे, ओवरसीज मिलिट्री बेसिस लाइक इन जिबूती, चाइना इज प्लानिंग फॉर एडिशनल मिलिट्री लॉजिस्टिक फेसिंग फैसिलिटेटिंग सपोर्ट फॉर ग्राउंड एयर एंड नेवल फोर्सेज. लोकेशन ऑफ कंट्रीज कंसिडर्ड फॉर यूज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट आर थाईलैंड, सिंगापुर, UAE, केन्या, सीशेल्स, तंजानिया, अंगोला एंड तजाकिस्तान. सो द बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव विल रिजल्ट इन ग्रेटर ओवरसीज मिलिट्री प्रेजेंस ऑफ चाइना. तो ये आप देखो इनका जो है चल रहा है हर जगह से. हर जगह से इसलिए US और रशिया भी थोड़ा अभी इससे नाराज हो रहे हैं. बट रशिया इज प्लेइंग वेरी सेफ बिकॉज दे वांट टू बी इन गुड बुक्स, बिकॉज US के एंटी हैं तो रशिया तो बिल्कुल सपोर्ट में होगा. और इंडिया को बैलेंस करना पड़ रहा है, इसलिए आप देखो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कल पहुँचे हैं, SCO की मीटिंग होने वाली है तो रशिया पहुँचेंगे लोग. उसके अलावा UAE फ्लाइट्स टू ऑल नेशन कैन फ्लाई ओवर सऊदी अरेबिया.
So Saudi Arabia has agreed to allow all UAE flights to all the countries to overfly the kingdom. And they accepted a request to allow crossing the kingdom's airspace of flights heading to the UAE and departing it from all the countries. Saudi Arabia said it will not follow the UAE in establishing diplomatic ties with Israel until the Jewish state has signed a peace accord with Palestinians. But the kingdom has cultivated clandestine relations with Israel in recent years. So you can see that recently, जो यूएई और इसराइल में पीस डील हुई है तो सऊदी अरेबिया मना नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है और मतलब ओवर्टली कह सकते हो बुराई भी नहीं कर रहा, बट ये बोल रहा है कि हम कोई पीस डील साइन नहीं करेंगे जब तक ये पैलेस्टिनियंस को रिकग्नाइज नहीं करते। बट हाँ ठीक है, फ्लाइट चल रहे तो फ्लाइट में कोई टेंशन नहीं है, जाओ जो हमारा एयर स्पेस यूज करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब एक स्टडी आई है कि कुछ स्टेरॉइड जो हो सकते हैं वो शायद लाइफ सेविंग हो सकते हैं कोविड पेशेंट के लिए। सो इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हुए हैं एंड WHO स्ट्रॉन्गली रेकमेंड स्टेरॉइड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद सीवियर और क्रिटिकल कोविड 19 सिम्टम्स। सो न्यू स्टडीज इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ पूल डेटा फ्रॉम 7 रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स इवैल्यूएटिंग 3 एस्टेरॉइड्स ओवर 1700 पेशेंट्स। ईच ऑफ द 3 ड्रग्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेथ। सो डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन आर ऑफन यूज बाई डॉक्टर्स टू टैम डाउन दी बॉडीज इम्यून सिस्टम एलिवेटिंग इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग द पेन। तो ये स्टेरॉइड जो होते हैं इनका यूज जनरली डॉक्टर्स करते हैं तीन का, पेन स्वेलिंग को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। एंड द एनालिसिस ऑल्सो फाउंड दैट द स्टेरॉइड्स वर लिंक टू 1/3 रिडक्शन द डेथ अमंग कोविड 19 पेशेंट। तो ये तीन जो ड्रग्स हैं स्टेरॉइड्स, इनका नाम याद रखेगा, हो सकता है प्रीलिम्स में कहीं इधर उधर पूछ सकते हैं। डेक्सामेथासोन जो है जब कोविड 19 हुआ था शुरू में तब बहुत ज़्यादा न्यूज में था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन जो है स्टेरॉइड्स का नाम याद रखेगा इन केस आ जाए। उसके अलावा हिंदू में एक एडिटोरियल आया था, विक्ट्री इन अ लॉन्ग बैटल। सुप्रीम कोर्ट का फरवरी 17 को एक जजमेंट आया था दैट विमेन टू सर्व एज परमानेंट कमीशन को लेके, तो उसके बारे में दिया हुआ है दैट इट्स अ यू नो लॉन्ग विक्ट्री, बट अभी भी जो बैटल है वो चल रही है। एंड बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो इंडियन आर्म फोर्सेज बिगान इंडक्टिंग विमेन शॉर्ट सर्विस कमीशन में 1992 में, एंड द स्कीम ओनली अलाउड सर्विस फॉर 14 ईयर्स। उसके बाद बोथ मैन एंड वुमेन ऑफ फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, हावर अपॉन कम्प्लीशन ऑफ 14 ईयर्स ऑफ सर्विस मेल ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन मिल जाता था बट वुमेन को नहीं मिलता था। एंड जनरली क्या होता था कि उनको भी और हैड टू पुट इन द सेम नंबर ऑफ ईयर सर्विस वेर डिनाइड दिस सेम प्रिवलेज। सो इन क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी मेनी ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स यू नो फिल्ड केसेस इन द डेली हाई कोर्ट सीकिंग टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन। The government of India in 2019 suggested permanent commission to women officers with less than 14 years of service also. So in the Ministry of Defence versus Babita Punia case, Supreme Court issued a direction to assure the women are not restricted to staff duties. Approximately 30% of the women will now also be engaged in combat roles. अभी आजकल देखो वैसे ही बहुत इशू चल रहा है गुंजन सक्सेना को लेके जो आपका Netflix में आया है। गवर्नमेंट ने बोला हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसको लेकर, कहीं सही तरीके से नहीं दिखाया गया यहाँ पे, तो बहुत इशू ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें एक बीच में एडिटोरियल भी आया। सो टोटल 3.29 वुमेन परसेंट जो है वुमेन ऑफिसर्स आर वर्किंग इंडियन आर्मी एंड 13% इन इंडियन एयरफोर्स। ये डेटा जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, मान लीजिए क्वेश्चन आता है कभी GS2 में या फिर जेंडर इक्वालिटी को लेकर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें आप ये यूज कर सकते हो। So a grant of permanent commission will accrue many other employee benefits such as the National Defence College, College of Defence Management, Army War College, etc., etc. But there is no provision which allows women to choose the permanent commission directly. So government should increase vacancies for women. अभी क्योंकि क्या है देखो, allow तो करते हैं, बहुत उतनी positions खाली नहीं है, problem ये है permanent commission के लिए। तो ये एक चीज है जो है, तो equal opportunities के लिए ये भी अभी भी थोड़ा एक hindrance है, right? चलिए अब फटाफट लास्ट टॉपिक आज का डिस्कस करते हैं, एडिटोरियल। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें इन्होंने सजेशंस दिया है कि कैसे करा जा सकता है और क्या दिक्कत है। तो अगर आप लोग को ये दिख रहा है तो एक बार जल्दी से बताएं मुझे। सो इसमें इन्होंने जो मेन बोला है कि ओनस इज ऑन द सेंटर टू स्पेंड नाउ, बेसिकली क्या करो, खर्चा करो अपने जेब से, पैसे निकालो। GST का कॉम्पनसेशन तो नहीं दे रहे हो बट फिर भी कुछ ना कुछ तो करिए। तो मैं एक बार इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप लोग को दिखेगा ये। So now it's officially India has managed to become the global leader in the number of COVID cases. ठीक है, अब इसमें data on the decline. So estimated 24% GDP contract कर गई है, कुछ को नहीं बढ़ना हमें यहाँ पे, सब पता है हमें, ठीक है। But these numbers are likely underestimated because they are based on information that from the formal or the organized sector extrapolated to informal organized sectors. अब ये चीज़ important है, ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। क्या होता है कि हमारे पास informal sector का data होता नहीं है, ठीक है।
तो इनफॉर्मल सेक्टर के डेटा के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फॉर्मल सेक्टर का डेटा होता है ना, उसको हम एक्सट्रापोलेट करते हैं, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उसके बेसिस पे गेस एस्टिमेट करते हैं। तो शायद प्रॉब्लम और बड़ी हो सकती है, हमारे पास एक्चुअल डेटा है नहीं। द एक्चुअल डिक्लाइन इज प्रॉबेबली वर्स। फिजिकल इंडिकेटर सच एज द इंडेक्स, अभी मैं इसमें बताऊंगा आपको नोट करने के लिए क्या होगा, मैं उसको स्क्रिबल करूंगा यहाँ पे, अभी बस मैं दिखा रहा हूँ कि जनरली कैसे क्विक रीडिंग करनी होती है और कैसे नोट करना होता है। फिजिकल इंडिकेटर सच एज द इंडेक्स ऑफ IIP जो है आपको ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है, मैनुफैक्चरिंग डिक्लाइन है, मिनी MSMEs जो है बंद हो गई है, मैनुफैक्चरिंग सर्विसेज आर स्टिल क्लोज्ड और फंक्शनिंग एट अ स्मॉल फ्रैक्शन। सो देर इज अदर बैड न्यूज ऑल्सो, ईच एंड एवरी सेक्टर अदर देन एग्रीकल्चर डिक्लाइन शार्पली। हमने ऑलरेडी देखा सिर्फ एग्रीकल्चर ढंग से चल रहा है, बाकी सारा डिक्लाइन चल रहा है। स्पेशली द मोर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स अगर आप देखोगे, जैसे सर्विसेज, अब इसमें जाके रबी हार्वेस्ट क्रॉप अच्छी है, मानसून अच्छा है तो हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिव है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इन एग्रीकल्चर बट विद इनकम डाउन एंड द फार्म प्राइसेस अनलाइकली टू रिवाइव एंड शो सफिशिएंट रिटर्न्स इन द कल्टिवेटर्स ओवर द ईयर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई अबाउट 16% ओवर द सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर, बट सिंस टोटल इन्वेस्टमेंट फेल ड्रास्टिकली, इट इज लाइकली दैट पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑल्सो फेल एंड ग्रॉस वैल्यूएशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस एक्सेट्रा फेल बाई मोर देन 10%। सिंपल मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, नहीं लगाया, ठीक है। अब ग्रेव डिस्ट्रेस, हमें भी पता है भाई डिस्ट्रेस है, एक्ट ऑफ गॉड है। सो मीनवाइल द पैंडेमिक कंटिन्यूज अपेरेंटली अनअबेटेड, ऑल टॉक्स ऑफ फ्लैटनिंग द कर्व, ठीक है, एज विजुअल एज द ग्रीन शूट्स इन द इकोनॉमी हैव वैनिश्ड। मतलब फ्लैटनिंग द कर्व मतलब ये जो दिक्कत है उसको, जो नीचे जा रहा है उसको फ्लैट कैसे करें, ऊपर कैसे आने की कोशिश करें। तो आपने देखा होगा कल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का स्टेटमेंट आया कि इंडिया विल हैव अ वी शेप्ड रिकवरी। आपको याद हो मैंने आपको बताया था लेक्चर में अगस्त में जब हमने स्टार्ट किया था, वी शेप, डब्ल्यू शेप, जेड शेप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिकवरीज होती है, तो वी शेप्ड है। मनीषा थैंक यू, ग्लैड टू नो दैट आपको ये वीडियोज हेल्पफुल है, ठीक है। सो द ब्रूटल नेचर ऑफ द नेशनल लॉकडाउन जनरेटेड इकोनॉमिक कोलैप्स इवन बिफोर द डिजीज हैड स्प्रेड, इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग ट्रेसिंग विच इज कॉस्टली बट इट विल स्टिल ओनली द कॉस्ट इफेक्टिव वे टू डील विद द डिजीज, देन इट प्रोवाइडेड नो कॉम्पनसेशन एंड ऑलमोस्ट नो सोशल प्रोटेक्शन। तो उन्होंने बोला भाई कॉम्पनसेशन नहीं मिला, लॉकडाउन कर दिया, पैसे भी नहीं मिले किसी को। अब क्या हुआ, पीएम किसान में तो दिया उन्होंने बट लेकिन उसकी जगह राशन दे दिया, और रूरल एरियाज में पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज से कुछ ज्यादा काम हुआ नहीं, एंड वर्किंग पीपल हैव बीन इम्पावरिश एंड डेबिलिटेटेड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज दे हैव बीन लेस बीन एबल टू अफोर्ड फूड, नाउ दे आर बीइंग टोल्ड टू गो बैक टू वर्क इवन एज द रिस्क ऑफ डिजीज हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली। व्हाट इज मोर टेरिफाइंग दैट दिस इज जस्ट स्टिल द बिगनिंग, देयर इज स्टिल लिटिल रीजन बिलीव दैट दिस ऑफुल ट्रैजेक्टरी विल बी हॉल्टेड एंड देयर विल बी अ मेजर चेंज इन गवर्नमेंट स्ट्रेटजी टू बोथ हेल्थ एंड इकोनॉमी। तो अगर आप इसके बारे में बात करेंगे, सो लैक ऑफ डिमांड इज अ क्रूशल रीजन, मैंने आपसे पहले भी बताया था, डिमांड नहीं है कंजम्पशन इसलिए बढ़ेगा नहीं, और इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो देयर आफ्टर डिस्पाइट द एनॉर्मिटी ऑफ द इकोनॉमिक कोलैप्स द गवर्नमेंट्स रिलीफ रिस्पॉन्स हैव बीन पैथेटिकली स्मॉल, बेयरली टचिंग द हंड्रेड्स ऑफ पीपल। तो अब इसमें क्या है, थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल है सरकार के लिए आप देखोगे आर्टिकल, तो हमारे लिए यूजफुल उतना नहीं है, बट हमारे लिए यूजफुल है जो सेकेंड पार्ट ऑफ आर्टिकल है, जो ये बोल रहा है कि क्या करने की जरूरत है। मैं इसीलिए आपको ये आर्टिकल इसलिए दिखाता हूँ, शायद थोड़ा टाइम आपको लगे कि ज़्यादा लगता है, इसमें दिखाने का पर्पस सिर्फ ये है आप लोगों को समझाने का कि भाई देखो आर्टिकल में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमारे लिए रेलिवेंट हो। एंड द मोस्ट, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया, मोस्ट डिस्ग्रेसफुल ट्रीटमेंट हैज़ बीन द स्टेट गवर्नमेंट डिस्पाइट द सेंट्रलाइजिंग पोजिशन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, देर वॉज ऑलमोस्ट नो कोऑर्डिनेशन, स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन फोर्स टू डू ऑल द हैवी लिफ्टिंग ऑफ डीलिंग विद हेल्थ क्राइसिस इकोनॉमिक फैक्ट्स इवन एज द सेंटर हैज डिनाइड देम रिसोर्सेज। अब इन्होंने GST कॉम्पनसेशन पे आ गए कि भाई स्टेट गवर्नमेंट देखो उनके साथ इन्होंने गलत किया, पैसे भी नहीं दे रहे हैं सरकार के पास, वैसे ही पैसे नहीं है, क्या करें क्या करें। तो ये सब यहाँ तक देखो ना, अब देखो आप खुद देखो कि यहाँ तक इस आर्टिकल के हमें जो पढ़ा अभी तक, हमें सब पता है अभी तक, पूरे आर्टिकल जितने पुराने आए हैं, जितने इशू हैं, मतलब आप समझ लो मोर देन 2/3 आर्टिकल ऑफ द न्यूज़पेपर टुडे कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट वी ऑलरेडी नो इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग द क्लास। अगर आप मेरी क्लास प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, रिलीजियसली अगस्त से फॉलो कर रहे हो, तो आप देख को खुद समझ जाओगे कि जो यहाँ पे उन्होंने लिखा है ऐसा कुछ नया नहीं लिखा है जो हमने नहीं डिस्कस किया क्लास में। अब ये भी देख लेते हैं कि भाई सजेशन क्या दिया उन्होंने अगर हमारे रेलिवेंट हुआ तो। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ना इसके पहले आर्टिकल पढ़ा नहीं है, आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ दिखाने के लिए कि भाई एज अ फ्रेश माइंड कैसे पढ़ा जाता है। सो मुझे बस इतना देख के समझ में आ गया था कि आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम नोट नहीं कर सकते। So the consequences will be felt directly by the citizen. Most state governments front-ended their expenditure for the entire to deal with the crisis. अब ये बोल रहे हैं कि सरकार ने कोई हेल्प नहीं करी, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ने सबने अपने अपने आप किया है।
अब इन्होंने बोला है कि चलो एक काम करते हैं, कुछ मत करो अब, रोल आउट ऑफ फिस्कल पैकेज. अब नन ऑफ दिस वॉज नेसेसरी और गॉड गिवन, एंड गिव देखो गॉड गिवन आ गया टर्म यहाँ पे, एंड कुड हैव बीन अवॉइडेड विद द राइट पॉलिसीज. इवन नाउ दिस टेरिबल ट्रेंड कैन बी रिवर्स्ड. द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट इमीडिएटली प्रोवाइड अ लार्ज फिस्कल पैकेज विद एक्चुअल मनी मेड अवेलेबल, नॉट एम्प्टी, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग द पे द गवर्नमेंट्स ऑफ पेंडिंग जीएसटी ड्यूज. अब इन्होंने पहले बोला कि आप पैसे खर्च करो, निकालो पैसे, निकालो पैसे, निकालो और जीएसटी का जो कॉम्पिटिशन दो, सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं ले सकती उधार. ठीक है, इन्होंने पहले बोला आप ये करो, एंड यूनिवर्सलाइज द पीडीएस एंड प्रोवाइड फ्री ग्रेन. लगभग 10 केजी उन्होंने बोला है कि आप दो है पर हाउस होल्ड, दो पर मंथ फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 6 मंथ. नेक्स्ट 6 महीने तक उन्होंने बोला है 10 केजी आप दो पीडीएस के अंदर जो राशन है सारी फैमिलीज को, एंड प्रोवाइड 7,000 रुपये पर फैमिली फॉर 3 मंथ्स. बोला भाई 7,000 रुपये जो है 3 महीने तक जो है आप फैमिलीज को दो. अब ये नोट करने वाला है, अब इसको आप अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो एग्जाम में. ठीक है, फॉर कॉम्पनसेशन फॉर द इनकम्स लॉस ड्यूरिंग द ड्रकोनियन लॉकडाउन, डबल द नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर हाउस होल्ड फॉर एमजी नरेगा. नेक्स्ट पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बट ये अच्छा है. ठीक है चलो, एमजी नरेगा में उन्होंने बोला कि आप जो है डबल कर दो नंबर ऑफ डेज. अभी 100 डेज में मिनिमम दे रहा होता है, आप उसको कर दो 200 डेज से ज्यादा कर दो. ठीक है, तो एंड 200 पर ईयर कर दो एटलीस्ट इस साल के लिए. एंड स्टार्ट एन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, एक्सटेंड द डेट मॉरेटोरियम एंड कन्वर्ट इनटू अ स्टैंडस्टिल विदाउट रिक्वायरिंग इंटरेस्ट पेमेंट फॉर दैट पीरियड. अब इन्होंने बोला कि देखो डेट जो है मॉरेटोरियम बढ़ा दो आप. आपको पता होगा हमने डिस्कस किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है कि मॉरेटोरियम 2 साल तक है, आप डेट रीपे कर सकते हो, बट उस पर इंटरेस्ट भी मत चार्ज करो. इनका कहना है कि आप इंटरेस्ट भी मत चार्ज करो, एट द सेम टाइम अर्बन एरिया के लिए आप कोई नया स्कीम निकालो, अर्बन जो डेली वेज अर्नर्स हैं उन लोगों के लिए भी, और MSMEs के लिए भी कुछ आप रिफॉर्म करो. ठीक है, सो एंड टू डील विद अदर हेल्थ कंसर्न्स दैट हैव बीन इग्नोर्ड और पोस्टपोन फॉर द पास्ट 5 मंथ्स. सो दिस विल कॉस्ट मनी फॉर श्योर, बट नॉट डूइंग दिस विल बी इवन मोर कॉस्टली फॉर द इकॉनमी. नॉट स्पेंडिंग नाउ विल पुश द इकॉनमी इनटू डीपर होल, रिड्यूसिंग इनकम्स. ठीक है, फॉर नाउ दिस इंक्रीज एक्सपेंडिचर कैन बी पेड फ्रॉम बाय द सेंट्रल बाय बोरिंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब देखो इन्होंने क्या बोला, आप क्या करो मोनेटाइज करो डेफिसिट को, बेसिकली RBI को बोलो पैसा छापो चलो, विच इज नॉट अ बैड थिंग. अगर आपको याद हो कि हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था मनमोहन सिंह जी का, उसके अलावा एक और आर्टिकल आया था ऑगस्ट में डिस्कस किया था, जिसमें बोला गया था कि मोनेटाइज डेफिसिट कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अभी जब हम लोग मोनेटाइजेशन क्यों नहीं करते, क्योंकि इन्फ्लेशन हो जाएगा, बट अभी इन्फ्लेशन होने के लिए कुछ है ही नहीं. फूड में इन्फ्लेशन तो वैसे भी होना है, तो टेक्निकली स्पीकिंग मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट इज नॉट अ बैड आइडिया. उससे बस दिक्कत ये होगी कि ग्लोबली थोड़ी रैंकिंग हमारी गड़बड़ होती है, किसमें जो हमारी स्टैंड ये रेटिंग्स होती हैं, बट अदरवाइज मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट इज नॉट अ बैड आइडिया पर से. अभी पैसा प्रिंट करना इतना बड़ा टैक्टिक, इतनी खराब टैक्टिक नहीं होगी. तो दिस विल नॉट बी इन्फ्लेशनरी एज लॉन्ग एज द एसेंशियल सप्लाईज आर मेंटेन. यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है और वो बाकी इकोनॉमी भी एग्री करते हैं. मैं भी पर्सनली इस चीज़ से अग्री करता हूँ, बिकॉज डिमांड इज करेंटली सो लो. क्योंकि डिमांड कम है, तो जब डिमांड कम होगी तो ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे, इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता. तो आप पैसा प्रिंट करो. इवेंचुअली वेल टैक्सेस एंड टैक्स ऑन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जायंट्स एंड मैनेज टू अवॉइड टैक्सेस मस्ट बी थॉट ऑफ, एंड बोल्ड थिंकिंग एंड अर्जेंट एक्शंस आर द ओनली वे आउट. तो इन्होंने देखो अब क्या है, अगर आप वैसे भी देखोगे इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नया नहीं है, हमें सब पता है, ये वाला पोर्शन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. बट क्या है कि आपके पास 7-8 पॉइंट मिल गए. जो लोग नए हैं, पहली बार शायद ये लेक्चर सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए भी थोड़ा क्लैरिटी मिल गई कि कैन से न्यूज़पेपर से वी पिकअप दी आर्ट एडिटोरियल. सो ये चीज़ें आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. एंड आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे. बस इतना ही था आज के न्यूज़पेपर में. तो इसके नोट्स मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, इसके पॉइंटर्स मैं आपको दे दूंगा, बट आई होप आप लोगों को समझ में आए. तो अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही है, आप चाहते हैं कि मैं 2021 और आगे तक इसको कंटिन्यू करूँ, तो डू लाइक द वीडियो और शेयर एज मच एज पॉसिबल. प्लीज़ लेट अदर पीपल ऑल्सो नो सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद द सीरीज. अगर मुझे लगेगा आप लोगों को पसंद आ रही है तभी मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट, है ना. चलिए, सो आई विल सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग. द नोट्स विल बी शेयर्ड एंड एज यूजुअल द प्रीवियस जो आपके कंपाइलेशन इज ऑन द वे, प्रोग्रेस में है, सब चीज़ काम चल रहा है प्रॉपरली. 2-3 एक्स्ट्रा लोगों को इसलिए टास्क पर लगा दिया गया. एंड टिल नेक्स्ट टाइम आई होप यू नो कि आप लोग ठीक रहें, सुरक्षित रहें, दैट्स ऑल आई कैन होप फॉर. एंड विशिंग यू एवरीवन गुड हेल्थ, अच्छे से रहिए. जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं 2020 के लिए, 1 महीना रह गया है सिर्फ, 3 तारीख हो गई, एग्जैक्ट 1 महीना है. सो गियर अप, टेक रेस्ट ऑल्सो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा बीच में ब्रेक भी लें, क्योंकि क्या ना, एक तो एग्ज़ाम का टाइमलाइन इतना ज़्यादा खिंच गया है कि थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि इतना सस्टेन पीरियड तक मेंटेन करके रखना, सब चीज़ें थोड़ी डिफिकल्टी है. पर ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस लगे रहना है.
है ना। चलो, थैंक यू सो मच गाइस।